आप सभी को मेरा फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज संडे का दिन है और मैं आज के दिन भी काम करने के लिए आया हूं। और मैं आपको बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रेन के अंदर क्या जाने की जगह होती है लोको पायलट लोगों को, तो मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि अंदर से भी एक नहीं बल्कि दो दो रास्ते होते हैं। तो मैं आपको अंदर से और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन के इंजन के अंदर का सिस्टम है और भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फैन भी रहती हैं लोको पायलट लोगों के लिए। और इसमें दो सीटें होती हैं जिसमें एक पे असिस्टेंट और एक पे मेन ड्राइवर बैठते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप हैंडल भी है और भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे वार्निंग बोर्ड भी लगाई गई है, अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, धूप वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ये LCD है और यहाँ पे एक और भी फैन दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर फायर वगैरह के लिए नीचे तो सिलेंडर भी रखे गए हैं। इस तरफ का ये दूसरा गेट हो गया, आप देख सकते हैं कि देखिए ये लेफ्ट साइड का गेट है जो इस तरफ से उस तरफ का जाने का रास्ता है। और मैं आपको एक तरफ से और दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको ट्रेन इंजन की अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ। अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, मैं लाइट जलाकर आप लोगों को और नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अंदर का इनर सिस्टम है और बहुत ही मतलब लगभग 1.5 या 2 फीट की रास्ता होगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है अंदर। अरे अंदर का मोटर पार्ट सिस्टम है। बहुत लोगों की क्वेरी थी कि क्या सच में ट्रेन इंजन के अंदर रास्ता लोको पायलट के लिए होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी हाँ होती है, जिसे लोको लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर का मोटर पार्ट्स, आज मेरी ड्यूटी इसी मोटर पार्ट्स में लगी थी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं चलिए तो मैं आप अपने दूसरे तरफ आ चुका हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इधर भी सेम चीज़ें वही चीज़ें रहती हैं जो दूसरी तरफ रहती हैं। बाकी आप लोगों का मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी और नई नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, जब तक के लिए जय हिंद।